बार छठ के पर्व पर होगा धमाका, धमाका होगा बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ, भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक साथ दो दो फिल्में टकराएंगी और वो भी दोनों कट्टर दुश्मनों की। हम बात कर रहे हैं प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव की भाग खेसारी भाग, तो वहीं प्रदीप पांडे चिंटू की विवाह। आपको बता दें कि इन दोनों फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला है। साथ ही साथ जहां भाग खेसारी भाग के ट्रीज़र को लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो वहीं विवाह के ट्रेलर को भी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। छठ के मौके पर रिलीज होगी ये दोनों फिल्में। आपको बता दें कि भाग खेसारी भाग में खेसारी एक ऐसे इंसान का किरदार निभा रहे हैं जो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लिए पनौती है। जी हाँ, जिसे उसका पिता तो पनौती मानता ही मानता है, साथ ही पूरा गांव उसे पनौती मानता है। और इस पनौती वाले टाइटल से दूर भागते हैं खेसारी लाल, और भागते भागते वो कैसे ओलंपिक जीत जाते हैं, कहानी पूरी यही है। और अब बात करते हैं विवाह की। विवाह नाम से ही जाहिर हो जाता है कि फिल्म में किसी के विवाह की तैयारी हो रही है। प्रदीप पांडे चिंटू के साथ पहली बार आप संचिता बैनर्जी को देखेंगे, और तो और इस फिल्म में एक और हीरोइन है, और दूसरी हीरोइन है आकांक्षा अवस्थी। ये दोनों हीरोइनें प्रदीप पांडे चिंटू के साथ पहली बार रोमांस करते नजर आएंगी। तो चलिए, ये रही इन दोनों फिल्मों की कहानियाँ। और आपको बता दें कि ये दोनों फिल्मों को देखने के लिए दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ जमेगी, क्योंकि इन दोनों की अलग अलग फैन फॉलोइंग है और इस बार कांटे की टक्कर है। वैसे भी पिछले दिनों प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव के विवाद ने माहौल को गर्म किया हुआ है, और अब जब इन दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी, तब ये देखना दिलचस्प होगा किसकी फिल्म होगी सुपरहिट और किसका होगा डब्बा गुल। वैसे छठ के पर्व पर रिलीज हुई जो भी भोजपुरिया फिल्में होती हैं, उन्हें फायदा बहुत मिलता है। यहाँ पर ये कहना होगा कि भाग खेसारी भाग पहले यूपी बिहार और झारखंड में रिलीज होगी, वहीं इससे उलट विवाह यूपी बिहार झारखंड गुजरात मुंबई सभी जगह एक साथ रिलीज होगी। जिस फिल्म को जितनी ज़्यादा सिनेमाघर मिलेंगे उसे उतना ही फायदा होगा, और वही भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर किंग साबित होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।